फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में अभी मैं आपको बताने वाला हूँ 6 सिलेंडर MHWBC का इंजन का टाइमिंग कैसे सेट करते हैं और इंजन मॉडल है S6V3। ठीक है, चलो वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये है MHWBC S6V3। इसका टाइमिंग गियर कैसे सेट करते हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं ये जो एक नंबर जो मार्क दिख रहा है क्रैंक में, और ये जो है कैमशाफ्ट का टाइमिंग है 2 नंबर। ये जो ऊपर वाला आपको गियर दिख रहा है ये कैमशाफ्ट है, इसका 2 नंबर टाइम। ये भी सेंटर में जो है आइडल गियर है, और इसका अभी पंप का टाइम कैसे है उसका भी मैं अभी बताता हूँ। उसका 3 नंबर है, एक नंबर जो है वो आइडल गियर के साथ में है, 2 नंबर जो है कैमशाफ्ट में है, 3 नंबर जो है पंप का है। ये पंप का गियर है, ये आप देख सकते हैं 3 नंबर है। इसके अंदर आइडल गियर के अंदर में एक छोटा गियर होता है, उसके अंदर एक मार्क होता है, नंबर होता है 3 नंबर, और ये इसके साथ में जो गियर में नंबर होता है वो मिलाना होता है। इसके बाद इधर पंप आता है, इसके पीछे में पंप आता है, ये मिला के इसको बाद में इसका पीछे का जो हाउसिंग है व्हील हाउसिंग वो लगाना है। छः सिलेंडर है डीजल इंजन, S6V3 इंजन मॉडल है। अभी चलो हाउसिंग लगा के। फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं इसका जो टाइमिंग गियर का पीछे का जो व्हील हाउसिंग है, पीछे में इसका टाइमिंग होता है, व्हील हाउसिंग लगा लिया। ठीक है, इसका आगे साइड में गियर नहीं है, टाइमिंग नहीं होता है, और ये सब इसका नट बोल्ट है, हेड का बोल्ट है, बाकी सारे बोल्ट है। इसका सामान है,